हम लोग बिखरे हुए हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, फुलाना फुलाना फुलाना, हम आपस में एक दूसरे के क्या हैं, दुश्मन हैं। हर तबका ये समझता है बाबा अपने पे तो मुसीबत नहीं आई, उन पे आई। अगर अहले हदीस का कोई किसी को उठा के कोई ले जाता है तो दूसरे बैठ के बोलते देखो वो जमात का था, और जाके हुकूमत से बोलते हम लोग वैसे नहीं हैं, ये लोग वैसे हैं, ये लोग वैसे हैं। हर तबका जो है हुकूमत की गोद में जाके बैठने की कोशिश कर रहा, हमको कुछ मत करो दूसरों को करो, हम पता बता दे तुमको दूसरों का। ये हमारी हैसियत है, ये हमारी हालत है, हमारे अंदर आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है। एक दूसरे के दुश्मन तो हम हैं, तो हमारे दुश्मन बाहर वाले क्या गलत है फिर? अगर हम में से किसी एक को हुकूमत दे दी जाए तो पहले बाहर वालों की बजाय अंदर वालों की पिटाई करेंगे हम लोग। एक दूसरे के दुश्मन हम ही तो केसेस लेके जाते पुलिस में, पकड़ो इनको, डालो इनको अंदर। हमारे मुसलमानों के बारे में हम जो है बड़े दुश्मन हैं। आपस में मोहब्बत खैरखाही की फिजा कायम की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मोमिन मोमिन के लिए ऐसे जैसे एक दीवार होती है, दीवार का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। हम मुसलमानों की खैरखा बने, उनका भला चाहने वाले बने, चाहे मुसलमानों में से कोई भी तबका हो। हम अगर कोई गलती देखे तो इसलाह करें, लेकिन हदीस में क्या है, ला यज़लिमु अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु। मोमिन मोमिन का भाई है, न खुद उस पर जुल्म करता है न उसको जालिम के हवाले करता है। न खुद जुल्म करता, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, न उसको दूसरे जालिम के हवाले करता है। तो मुसलमान मुसलमान का साथ देने वाला हो, उसके साथ हमदर्दी करने वाला हो, उससे मोहब्बत करने वाला, उस पर एहसान करने वाला हो, और अगर मुसलमान गलती कर रहा, अकीदे में गलती है या किसी इबादत में गलती है, इस्लाह भी करे। ये भी नहीं कि तू भी सही मैं भी सही, नहीं, ये तो माँ बाप और भाई बहन से भी नहीं करना है हमको। गलती अगर है तो हम क्या करें, उसकी इस्लाह करें और किताब सुन्नत की तरफ लाने की कोशिश करें, लेकिन हमदर्दी मुसलमान के दिल में होना जरूरी है।